नमस्कार व्यूअर, सिंदूर की कीमत 100 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से, जहाँ पर देखने को मिला कि अपूर्णी दादी कंफ्यूज हो चुकी होती हैं कि आखिर मिश्री असच में सही है या फिर नहीं, कहीं वो उसके बारे में गलत तो नहीं सोच रही है। वहाँ पर प्रिया जाती है, दादी को फिर से पलट देती है, दादी के मन में फिर से मिश्री के लिए नफरत पैदा कर देती है, बोल देती है कि मिश्री ने ये जानबूझकर आग लगाई थी और फिर जानबूझकर आग बुझाकर अर्जुन को बचाया ताकि वो सबकी नज़रों में विश्वास पा सके। लेकिन वहीं पर होने जा रहा सबसे बड़ा धमाका, जहाँ पर अर्जुन को पूर्णी दादी एक स्टोरी सुना रही होती हैं जिसमें एक चुड़ैल होती है जो और कोई नहीं बल्कि पूर्णी दादी मिश्री को बोल रही होती हैं और बोल देती हैं कि वो मतलब जो इस घर का चिराग होता है उसे खा गई है। तो अर्जुन बोलता है कि दादी मिश्री चुड़ैल नहीं है क्योंकि मिश्री ने तो एक जान बचाई है, हमारी जान बचाई। लेकिन अब होने जा रहा सबसे बड़ा धमाका, जहाँ पर मिश्री और प्रिया खाना बना रही होती हैं, वहाँ पर प्रिया बहुत गड़बड़ करने वाली होती है, उसके खाने को बर्बाद करना चाहती है और फिर सबके सामने बोल देती है कि अर्जुन को पहले मेरा खाना खाना होगा। लेकिन अर्जुन को मिश्री का खाना अच्छा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो सब अर्जुन की पसंद का बना होता है। दूसरी ओर प्रिया ने भी खाना बनाया होता है तो प्रिया उसे फोन कर देती है कि पहले मेरा ही खाना खाना होगा। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अर्जुन पहले किसका खाएगा खाना। आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।